हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो चिकन से रिलेटेड होने वाली है। बहुत ही जूसी चिकन आपके लिए बनाने वाला हूँ, हेल्दी एंड जूसी, मजा आ जाएगा यार उसको खा के। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता हूँ इसी वीडियो में आगे सीधा किचन में। चलिए चलते हैं किचन में। ये है हमारा चिकन जिसको हमें यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम जो बिना हड्डी वाले पीसेज हैं उनको हम निकाल लेते हैं। इनको अभी हम छोटा छोटा करेंगे, पहले हम बिना हड्डी वाले पीसेज निकाल लेते हैं ताकि हम उसको बना पाएं। अब ये देखिए, जैसे कि ये मैं बिना हड्डी वाले पीसेज निकाल रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारा चिकन रखा है ना, इस चिकन में मैं पानी डाल के इसको बॉईल होने रख देता हूँ, क्योंकि इसका जो पानी है वो भी हम जूसेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो हम फटाफट से इसमें पानी डाल के इसको बॉईल होने रख देता हूँ। तो ये मैं बॉईल होने रख दिया है मैंने चिकन। इसमें मैं हल्का सा नमक ऐड कर दूंगा, ये देखिए ये नमक ऐड हो गया है। अब ये बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसको देखते हैं। इतने हम सर साइड में अपना जो दूसरा काम हमें करना है वो पीसेस कट करने का हम कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारे पीसेस। अब हम करने के वाले हैं पीसेस को अपने स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करने वाले हैं ताकि ये जल्दी पक पाए। तो हम छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस हम कर लेते हैं। जितने छोटे पीसेस रहेंगे ना उतने इजीली ये पक पाएंगे। ज़्यादा बड़े पीसेस रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पकने में चिकन ब्रेस्ट को, तो मैं इसलिए ही छोटे छोटे पीसेस कर रहा हूँ। आप लोग भी छोटे छोटे पीसेस इसके कर लीजिएगा। काफ़ी हेल्दी और मस्त ये रेसिपी आपके लिए होने वाली है। आप ना इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मैं घी यूज़ करूँगा, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, देखिए ये हमारे पीसेस हो रहे हैं छोटे छोटे, उबल ही गया है बस। देखिए इसका पानी हम स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे, मतलब यस। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है पूरी तरीके से बड़े तरीके से हो चुका है कट। अब इसको हम कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए हम इसको कर लेते हैं बाउल में ट्रांसफ़र। ये रहा हमारा बाउल, इसी के अंदर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सारे पीसेस हमने कर लिए हैं बाउल के अंदर ट्रांसफ़र। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं इसमें ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ये देखिए आ गया जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें, और इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट यूज़ करेंगे। बस, और इसके बाद यूज़ करने वाले हैं हम इसके अंदर शेजवान चटनी, और हम इसके अंदर चिली अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर चिली ऐड नहीं करूँगा बिकॉज मैं इसके अंदर शेजवान की चटनी ऐड कर चुका हूँ। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। इसके अंदर अभी एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यार इसके अंदर बहुत गज़ब की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गज़ब की, मस्त एकदम। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना हल्का सा, इतनी ही मलाई यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा वो क्रीमी क्रीमी हो जाएगा, और हमें इसे ज़्यादा क्रीमी नहीं करना है। ये देखिए हो चुका है। अब इसको ना 2-3 मिनट के लिए, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ऐसे हो गए गाइस 5 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए रखे रखे। अब ये देखिए ये आ गया हमारा पैन, पैन मैंने रख दिया है, गर्म हो रहा है पैन, और गर्म होते होते इसके अंदर हम डालने वाले हैं घी। 1 चम्मच घी का यूज करेंगे, या देख लेते हैं कितना, मेरे हिसाब से तो 1 ही चम्मच लगेगा वैसे। इतना घी इनफ होगा। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं अभी, जैसे ही गर्म हो जाएगा ना इसके अंदर फिर पीसेस हम डाल देंगे अपने। ये देखिए अभी ये गर्म हो रहा है, बस ये गर्म हो जाए, गर्म होते ही इसके अंदर हम पीसेस। तो गाइज ये हो चुका है अब गर्म, तो मैं इसके अंदर पीसेस डाल देता हूँ।
ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस किए थे, जैसे छोटे छोटे पीसेस रहेंगे ना तो ये एकदम हो जाएगा, टाइम मिलेगा इसमें पकने में। और ये एक बार में सारे पीसेस इसके अंदर आ जाएंगे, ये देखिए एक ये लास्ट पीस बचा है, ये देखिए हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं हल्का हल्का। अब हम क्या करेंगे, ये पीसेस पलट लेते हैं हम सारे पीसेस जल्दी से। ये देखिए ये एक साइड से तो हल्के हल्के हो ही गए हैं, ये देखिए वाइट वाइट होने लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि ये हो चुके हैं। थोड़ा सा पलटने में प्रॉब्लम होगी बट जल्दी पलट लेता हूँ मैं। तो गाइस ये सारे पीस मैंने पलट दिए हैं, अब इसको थोड़ा सा ना पकने देते हैं ताकि ये जो इसके अंदर जूसेज हैं ये सारे इसके अंदर ही हो जाएँ ग्रहण। तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, पक के फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारा ये बॉइल्ड वाला चिकन जो होना था ना, ये बॉइल्ड हो चुका है। इसके हम से इसके अंदर से हम थोड़ा सा स्टॉक वाटर इसका लेंगे, इसका वाटर लेके वो हम जूस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा वाटर इसके अंदर से मैं छान लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो ये मैं गैस अब बंद करने वाला हूँ, ये मैंने गैस बंद कर दी है। और ये जो हमारा बाउल था, इस बाउल के अंदर ही ये पीसेस हम एक एक करके निकाल लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा ऑयल ना आए। और ये जो अंदर इसके ऑयल मतलब घी है हमारा, यही हम यूज़ करने वाले हैं अभी जूसेस बनाने के लिए भी। तो ये देखिए सारे पीसेस मैं एक एक करके निकाल लेता हूँ, एक साथ में निकालूंगा, एक एक करके निकालूंगा। ये 90% 80% हमारे डन हो चुके हैं पीसेस, ज़्यादा देर में और नहीं पकाऊंगा इसको। और स्मेल यार आपको बता दूँ अगर ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा कैडी स्मेल आ रही है, मस्त एकदम। तो जल्दी जल्दी मैं सारे इसके पीसेस निकाल लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ये पीसेस हमारे निकल गए हैं, इसको ना हम अच्छे से प्लेट से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे ना और इसके जो पीसेस हैं उसमें जूस बना रहे। हमने अपना धनिया ले लिया है, अब इस धनिया को अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं कट। और धनिया कट करके फिर हम अनियन कट करेंगे, दो चीज़ें हम कट कर लेते हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये है हमारी धनिया लीव्स है ना, ये इसको इधर से तो हम ये तो हम हटा देते हैं इसका, अब यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए जो हम जूस बनाने वाले हैं उसके अंदर ही धनिया लीव्स डालेंगी। ये हमारा कट चुका है धनिया, इसको हम कर देते हैं साइड में। और अब हमारी बारी आएगी अनियन की, तो ये रही हमारी अनियन। इस अनियन को हमें देखिए गोल गोल ही कट करना है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कट करना है इसको। उसके अंदर रिंग्स होंगे ना, तो उस तरीके से ही हमें इसको कट करना है। तो ये देखिए ये हमारे रिंग्स हो गए हैं कट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कट रहा है रिंग, बट कोई नहीं, ये रिंग हो गए हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पैन रखा हुआ है, देखिए इस पैन को हम कर देते हैं गैस स्टार्ट। इस पैन के अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से ही जो हमारा ऑयल घी बचा हुआ है उस पड़ा हुआ है वो। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना ये बटर का टुकड़ा घी इसके अंदर डालने वाले हैं, सारा बटर यूज़ कर लेंगे इसके अंदर ही। हम इसको ना पूरे तरीके से बटर को पिघलने नहीं देंगे, उससे पहले इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा। डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो हम कर देंगे अच्छे से मिक्स इसके अंदर। ये देखिए ये उफनने से लगा है, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर अच्छे से ऐड करने के बाद, देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो स्टॉक वाटर रखा हुआ था, ये स्टॉक वाटर इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए स्टॉक वाटर इसके अंदर डालने के बाद अब हमारा काम मेन है ये जो धनिया की लीव्स हैं ये इसके अंदर डालना। ये देखिए ये हमारी धनिया की लीव्स आ गई हैं इसके अंदर। और ये जो अनियन है, ये अनियन स्प्रिंग इसके अंदर करके डालना इस तरीके से। देखिए इसके रिंग्स खोल के ना इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए एक और डाल देते हैं प्याज, ये आ गई। अब गैस कर देते हैं हम तेज। इसके अंदर एक चीज़ और हम करने वाले हैं ऐड, जो कि है हमारी हल्का सा रेड मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं। ये रहा हमारा रेड मिर्च पाउडर। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो, दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास तो ऑरिगेनो है तो मैं इसके अंदर थोड़े से ऑरिगेनो डाल रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसके अंदर नमक भी डाल देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए
बस अब इसको मैं कर देता हूँ पहले अच्छे से मिक्स। ये देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब मिक्स होने के बाद आ गई है इसके अंदर बारीक हमारा ये जो चिकन रखा हुआ था जूसी चिकन। देखिए इसके अंदर भी जूस है, ये जूसी चिकन इसके अंदर डालने की बारी आ चुकी है। सारा चिकन हमारा इसके अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर ये जूसेस आ जाएंगे सारे जो इसके वाटर के अंदर थे। देखिए यार कितना कलरफुल लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, बढ़िया। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं जो आपने सोची ना होगी कि मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, तो वो चीज़ जो है हमारी अभी आपको बताता हूँ क्या है। सरप्राइज ही रखते हैं, सीधे डाल के आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा सोया सॉस जो कि मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे चिकन को अच्छा कलर भी मिलेगा और साथ के साथ जो सारे फ्लेवर्स हैं वो निखर के मिल के आएंगे। ये देखिए ऐड हो गया है अच्छे से। अब हम ना इसको पकने देते हैं जब तक ये पूरा वाटर जो है इसका ड्राई ना हो जाए, मतलब सारा वाटर सूख ना जाए, तब तक ही हम इसको पकने देते हैं। देखिए काफ़ी हद तक तो ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसको बिल्कुल ही ड्राई कर लेते हैं, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर कुछ भी। तो थोड़ी देर और इसको पकने देते हैं फिर सीधा आपको मिलते हैं। ठीक है सर पक चुका है, तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, वो जो हमारे स्प्रिंग अनियंस है ना वो मैंने और बचा रखे थे इसीलिए ताकि हम ऊपर से इसमें अनियन डाल सकें खाने से पहले, अनियन के लिए गार्निशिंग, मतलब गार्निशिंग के लिए मैंने रखे थे। ये देखिए हो चुका है ये। अब इससे नीचे मैं अगर ज़्यादा इसको पकाऊंगा ना तो ये जल जाएगा। ये हो गई है हमारी सारी प्याज इसके अंदर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा थोड़ा सा मैंने धनिया बचाया हुआ था ना वो भी ऊपर से इसके डाल देंगे। ये देखिए और अब इसको सीधा कर लेते हैं सर्व और सर्व करके खाते हुए आपको दिखाते हैं। गैस कर दिए मैंने बंद। तो गाइज ये देखिए रेसिपी हमारी तैयार है, कैसी लग रही है देख के आप कमेंट करके बताइएगा, बड़े लग रही है कि नहीं। अब इसको आपको खा के दिखाते हैं सीधा। ये देखिए इसको आप काटे वाटे से खा सकते हैं, आप चावल से भी सर्व कर सकते हैं, इसे तो वैसे बहुत टेस्टी लगने वाली है पक्का। चिकन के अंदर जिंजर गार्लिक का भी टेस्ट आ रहा है, क्रीम का भी टेस्ट आ रहा है, नमक मिर्च का तो टेस्ट ऑब्वियसली आ ही रहा है, मक्खन का भी टेस्ट आ रहा है, हर एक चीज का इसके अंदर टेस्ट आ रहा है। रेसिपी सही में बहुत बढ़िया, आप इसको बना के जरूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया और हेल्दी रेसिपी है ये। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये तीनों चीजें बना रहे हो तो सब में ना थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करिएगा, ज्यादा ऐड ना करिएगा। मान लीजिए आपने सबके अकॉर्डिंगली नमक ऐड कर दिया तो यहाँ पे आके नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, सही है, मैंने हिसाब से किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एक और नया चैनल भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नॉट पीस इट दिस गेम्स।